देखिएगा कि अभी तक हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत वी हैव सीन द डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, और गदर और होम रूल और अलग अलग आदि इत्यादि मूवमेंट्स हमने देखे हैं, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और फिर से थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग दो मूवमेंट्स पढ़ेंगे वो है नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत, तो एसेंशियली एक ही मूवमेंट है बट एक का ही सब पार्ट था। जैसे आपका मैंने बताया कि स्वदेशी मूवमेंट था, कि स्वदेशी मूवमेंट हैज इट्स जिनेसिस इन एंटी पार्टीशन एजिटेशन, द सेम वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज इट्स जिनेसिस इन खिलाफत इश्यू, तो खिलाफत का जो इश्यू था उसके अंदर ही था। बट इम्पॉर्टेंट हमको ये है जानना है कि ये खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन जो इशू चालू करने वाला इंसान जो था या उसको स्केल अप करने वाले इंसान थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, और वहाँ से ही आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वो है गांधीयन एरा और गांधीयन फेज ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। थोड़ा बहुत रिकैप करा देता हूँ, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। 1885 के अंदर हमने सबसे शुरुआत की थी, वो थी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से। आपको जानकारी होगी 1885 के अंदर जो कांग्रेस लीडरशिप आई उसको मॉडरेट्स कहा जाता है। लेटर ऑन बाय 1900s एक और नया उभरता हुआ सितारा यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, चरमपंथी और नरमपंथी। इसी के तहत नेक्स्ट फेज के अंदर जाओगे 1905 तक आते आते एक और मूवमेंट हुआ जिसे कहते हैं हम लोग स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ से नेक्स्ट फेज के अंदर आगे जाते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बैकग्राउंड में, उसके बाद थोड़ा दो साल के बाद कांग्रेस टूट जाती है, जिसे हम लोग ने पढ़ा था सूरत स्प्लिट। उसकी अध्यक्षता करने वाले इंसान थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस वॉज अ रिवॉल्यूशनरी, रास बिहारी घोष वॉज पर्टिकुलरली अ कांग्रेस लीडर। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को भी पढ़ा था, फेज़ वन के अंदर 1900 से शुरू हुआ और 1912 तक इंडिया के अंदर देखा, अब्रॉड देखा, इंडिया के अंदर बंगाल के अंदर देखा, नॉर्थ इंडिया में देखा, महाराष्ट्र में देखा, अब्रॉड के अंदर यूरोप के अंदर देखा। यूरोप के साथ साथ हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट पढ़ा जिसे कहा जाता है गदर मूवमेंट, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, गदर। उसी के बाद हमने आगे कंटिन्यू करते हुए 1915 के बैकग्राउंड के अंदर एक और मूवमेंट चालू हुआ जिसे कहा जाता है होम रूल मूवमेंट। 1916 से लेकर 1918-19 तक चलता है और उसके बाद होम रूल मूवमेंट भी फेड आउट हो जाता है। अब देखें कि इन बिटवीन दिस टाइम ये पूरा का पूरा लीनियर डेवलपमेंट चल रहा था आपके जितने भी आंदोलन हो रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। बट यहाँ पे आपको आगे बैकग्राउंड के अंदर देखने को मिलेगा वो है आपकी एज ऑफ गांधी। यहाँ से ही आपकी गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और गांधीयन एरा की भी शुरुआत होती है। जो 1915 का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, समवेयर इन बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द होम रूल मूवमेंट एंड द एंडिंग पोर्शन ऑफ गदर मूवमेंट, वहाँ पे ही बैकग्राउंड के अंदर एक जेंटलमैन इंडिया आए हुए होते हैं। पहले उनकी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, वो है गांधीयन एरा। यहाँ गांधीयन एरा के ऊपर से प्रश्न कहाँ से आते हैं, अब देखिएगा कि यूपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक है महात्मा गांधी। करीबन 300 नंबर के प्रश्न उनकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द, उनकी विचारधारा के इर्द गिर्द, एथिक्स पेपर 3, जीएस पेपर 2, जीएस हर एक पेपर के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं से आप लिख सकते हो। सोशल इश्यूज हो या इकोनॉमिक इश्यू हो, पॉलिटिकल इश्यू हो, एथिकल इश्यूज हो, या साथों साथ आपका जो एसे का पेपर आता है, एसे के पेपर के अंदर भी गांधी का कहीं ना कहीं कोई कोटेशन डाल के यूपीएससी एसे के फॉर्म के अंदर पूछ देगी। जनरली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो है एक तो गांधी भारत में आए 9 जनवरी 1915। ओके, अभी भारत में आए मतलब किस तरह से पैदा हुए थे और कहाँ का ये पूरा डेवलपमेंट चला, वो हम लोग वो ट्रिबल फैक्ट्स के अंदर नहीं जाएंगे, पोरबंदर वाली जो उनकी हिस्ट्री है, पर थोड़ा बहुत आइडिया आपका होना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। साथों साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, वो कभी कांग्रेस के सभ्य रहे हैं कि नहीं रहे हैं, कभी उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कि नहीं की थी, आज़ादी के समय गांधी कांग्रेस के सभ्य थे कि नहीं थे या फलानी जगह के अध्यक्ष थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। गांधी ने कौन सी चीज़ें पब्लिसाइज की थी, कौन सी किताबें लिखी थी, कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे, एंड सबसे फंडामेंटल वो है उनका फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अद्भुत हुआ करता था। वो फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या करना क्या है, बोले सत्य के रास्ते के ऊपर जाना है आपको, यू जस्ट हैव टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एल्स। बोलते हैं ना गांधी के, मैं तो सच्चाई के रास्ते के ऊपर जा रहा हूँ, ये कायदा कानून किसने बनाया है, ये तो गोरों ने बनाया है, आई एम वॉकिंग ऑन माई वे ऑफ ट्रुथ, आपका जो कानून है द लॉ इटसेल्फ इज रॉन्ग। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी गांधीयन स्टाइल और गांधीयन पॉलिटिक्स से उसकी शुरुआत होगी, एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट गांधी जी इज इम्पॉर्टेंट। ओके,
तो ज़्यादा हम लोग समय ना लेते हुए इनकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द जो भी प्रश्न आए, कोई भी मूवमेंट के अंदर गांधी क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे, हर एक चीज़ के ऊपर यूपीएससी कहीं ना कहीं फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बना के पूछ सकती है और बैकग्राउंड के अंदर पीछे भी थे। गांधी बिफोर इंडिया को लेके हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ले लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 जब उनका जन्म हुआ पोरबंदर के अंदर, वहाँ से ही ये सिस्टम एसेंशियली उनका जन्म होता है। लेटर ऑन उनके जो फादर जो थे वो राजकोट जो स्टेट हुआ करता था उसके दीवान भी थे, सौराष्ट्र, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सौराष्ट्र भी बोलते थे उसको। ओके, एसेंशियली 1893 तक आते आते यहाँ पे एक इंडियन डायस्पोरा के जो गुजराती मर्चेंट होते, दादा अब्दुल्ला गांधी जी को बताते हैं कि यार तो नहीं बोलेंगे, बट इम्पोर्टेंट यही था कि उनको कुछ लीगल काम था। द इंडियन कम्युनिटी इन अफ्रीका एट दैट टाइम वॉज नॉट हैविंग गुड रिसोर्सेज अबाउट दिस लिटिगेशन एंड अदर थिंग्स, और गांधी उस टाइम पे 1893 के अंदर लंदन से जस्ट आए हुए होते हैं और बॉम्बे में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश करेंगे, बट ही वॉज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो व्हेन ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि एक साल के लिए अफ्रीका जा सकते हो, अफ्रीका वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो गांधी थॉट कि भाई एक साल जाके आता हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे। ओके, बट इम्पॉर्टेंट वही था कि एक साल के लिए गांधी इनिशियली, आपको ठीक है ये यंग गांधी है जब जा रहे थे अफ्रीका, तब का फोटो है कि फॉर वन ईयर ही डिसाइडेड टू गो एंड दिस वन ईयर्स वर कंप्लीटेड और गट कन्वर्टेड इनटू 22 ईयर्स। 1893 में गांधी अफ्रीका जाने की उनको जो जो मिला था, उनको जो ऑफर मिला था, वही ऑफर को कन्वर्ट कराते कराते एक साल के 22 साल कैसे निकल गए, वो वहाँ पे ही निकल गया। और हमको वही जानना है कि गांधी बिफोर इंडिया, गांधी अफ्रीका के अंदर किस तरह से अपनी जो स्कूल्स, जो अपनी जो विचारधारा है उसको किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका पहुँचते हैं, उनकी बहुत ही फेमस ट्रेन की जर्नी है, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से, और फर्स्ट क्लास के अंदर से एक गोरा आदमी उनको हटा देता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के अंदर जो उनकी रेसिस्ट अपार्थाइड पॉलिसी जो थी, वहाँ की जो अंग्रेज सरकार अलाउ करती थी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग ही वाज थ्रोन आउट ऑफ दिस कंपार्टमेंट। ओके, वहाँ से उनका जो मेन जगह था वो था प्रिटोरिया, और फाइनली कैसे भी करके प्रिटोरिया जाते हैं, और प्रिटोरिया जाने के बाद वहाँ पे एक इंडियंस की मीटिंग करेंगे कि आप लोग के क्या क्या इश्यूज है। ओके, दिस पिक्चर ऑफ एम के गांधी वॉज एविक्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑन द नाइट ऑफ 7 जून 1893 का, ये पूरा का पूरा आपको ये इसका दिख रहा है, वहाँ पे प्रिटोरिया के अंदर और पीटर मेल्सबर्ग के अंदर जहाँ पे उनको उतारा गया था, वहाँ पे ये पूरा का पूरा मेमोरियल स्टोन रखा गया है। ओके, सो इनिशियली मीटिंग अरेंज कराते हैं, बोले सबको इकट्ठे करो, क्या क्या इश्यूज़ है आपके, देखते हैं, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने सोचा था कि एक साल के अंदर मैं इंडिया वापस चला जाऊँगा। ओके, सो ही प्रिपेयर टू लिव इंडिया वंस ही वर्क गॉट ओवर, बट वॉज स्टॉप बाई इंडियंस। बहुत ही इंडियन कम्युनिटी थी जो एसेंशियली आप नॉर्थ अमेरिका के इंडियंस अंदर जो इंडियन थे या यूरोप के अंदर जो इंडियंस है ना, उनके कंपेयर्ड में अगर आप अफ्रीका के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी थी ना, वो बहुत ही अलग थी, क्योंकि उनका जो सोशल बेस या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी था बहुत लिमिटेड था। द इंडियंस हुवर बेस्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप वर एसेंशियली इंटेलेक्चुअल्स एंड बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, बहुत ही पढ़े लिखे वर्ग से थे, बट हियर इन अफ्रीका दी एसेंशियल माइग्रेंट कम्युनिटी ऑफ इंडियन पीपल वॉज सेटल्ड, और उनको ज़्यादा ये लिखापट्टी नहीं आती थी, सो दे नीडेड समवन हु कैन रिप्रेजेंट देम इन दिस सिनारियो। और इसी के तहत उनको लगता है कि एक बार काम खत्म हो जाने के बाद जब गांधी सोच रहे होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि बापू रुक जाओ आप थोड़े दिन तक और हमारी मदद कर दो जो भी है। एज अ रिजल्ट गांधी यहाँ पे अफ्रीका के अंदर अपनी दुकान एस्टेब्लिश करते हैं। एम के गांधी एंड अटर्नी, आपको दिख रहा है सेंटर पिक्चर के अंदर गांधी जी बैठे हुए सूट बूट पहन के। ओके, सो इन दिस कंडीशन गांधी जी अफ्रीका के अंदर अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम गांधी जी अफ्रीका के अंदर देखते हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी थी उनके साथ ये बहुत रेसिज्म हो रहा था। अब माइंड वेल, अफ्रीका वॉज दी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया वॉज दी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंड गांधी हिमसेल्फ वेंट टू लंडन टू स्टडी दिस होल थिंग्स, लॉ और ये सब चीज़ें पढ़ के आए थे, एंड ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी द ह्यूमिलिएशन विच वॉज फेस्ड बाय द ब्राउन पीपल। एंड एज अ रिजल्ट उसको उनको ये लग रहा था कि मुझे इन चीज़ों का मुद्दा उठाना चाहिए। यही मुद्दे के तहत सबसे पहला इशू गांधी अफ्रीका के अंदर कौन सा उठाते हैं। ओके, द फर्स्ट इशू टू बी रेज बाय गांधी जी इन नॉर्थ अफ्रीका वॉज द इशू रिलेटेड टू द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन।
अंग्रेजों ने क्या किया कि जो रजिस्ट्रेशन था हमारे लोगों का, जो थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस का जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड होता है या रजिस्टर होता है, जिसका आप आइडेंटिटी कार्ड जैसा आप बोल सकते हो, या थोड़ा बहुत जो वोटिंग के तहत आपको जो थोड़े बहुत राइट्स मिलते हैं, वहाँ से हमको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था। और इसी के कारण गांधी ये सबसे पहला इशू अफ्रीका के अंदर जाके उठाते हैं, बोले नहीं चलेगा ऐसा बिल, हम लोग ये बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड यहाँ से ही आपकी गांधी की पॉलिटिकल एक्टिविटी साउथ अफ्रीका के अंदर शुरू होगी। एज यूजुअल गांधी की साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक्टिविटी है, गांधी इन अफ्रीका कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, द मॉडरेट फेज ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स इन अफ्रीका एंड द सत्याग्रही फेज ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स इन अफ्रीका। 1893 के अंदर बापू वहाँ पे पहुँचे थे, 1894 तक आते आते थोड़ी बहुत हालात समझ गए कि यहाँ पे तो ऐसी सिस्टम है, बट अभी नए नए यूके से पढ़ के, लंदन से पढ़ के आए थे और उनके अंदर भी वही जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का जो थियरी है, जो आपके इन थियोरिटिकल जो पार्ट से वही चलता रहा। एंड फ्रॉम 1894 टू 1906 ही फॉलोड द मॉडरेट फेज। तो वहाँ बड़ी बड़ी पिटिशन अफ्रीका के अंदर सरकार को किया करते थे, बोले योर एक्सीलेंसी आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस थिंग इन टू नोटिस कि इंडियंस आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, बट बाय 1906 एज वेल करीबन 12 साल तक ये पूरा का पूरा मॉडरेट फेस चलता है। और 1906 तक आते आते गांधी रियलाइज वन थिंग, बोले ये नहीं चलेगा। एंड एज अ रिजल्ट ही एडॉप्ट दिस थिंग दैट इज नोन एज पासिव रेजिस्टेंस और दी सत्याग्रह। तो सत्याग्रही जो फेज है, वो सत्याग्रही फेज की शुरुआत भी गांधी यहाँ पे 1896 तक आते आते पूरी की पूरी शुरुआत कर देंगे। बिलीव दैट ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस वर प्रेजेंटेड टू द इंपीरियल गवर्नमेंट, द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले वुड बी अराउज्ड एंड द इंपीरियल गवर्नमेंट वुड इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियंस हु वर आफ्टर ऑल द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। बोले हम कौन हैं? बोले हम तो ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, ब्रिटिश एम्पायर के ही सिटीजन है ना अल्टीमेटली। तो ये गांधी की विचारधारा थी और यही विचारधारा के तहत गांधीयन पॉलिटिक्स ये पूरी की पूरी मॉडरेट फेज के अंदर कंटिन्यू होगी। 1906 के बाद गांधी को आपको देखने को मिलेगा कि वो सत्याग्रह की तरफ चले जाएंगे, पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ आगे जाने की कोशिश करते हैं। व्हाट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो मॉडरेट फेज था उसके अंदर गांधी किस तरह से पूरा का पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड वाज टू एस्टैब्लिश ऑफ अ पॉलिटिकल बॉडी हुज नेम वाज नताल इंडियन कांग्रेस। अभी नताल इंडियन कांग्रेस एसेंशियली नताल करके एक स्टेट है अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के अंदर, और वहाँ पे ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था नताल इंडियन कांग्रेस। ही लेटर ऑन स्टार्टेड अ पॉलिटिकल न्यूज़पेपर एज वेल एज जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ओके, तो ये भी अफ्रीका के अंदर से गांधी शुरुआत करते हैं, और भारत के लोगों के अंदर जो भी थोड़ी बहुत सुझाव बनाने की कोशिश की जा रही थी वो भी गांधी ने वहाँ पे जाके किया था। इन कोर्स ऑफ टाइम 1906 तक आते आते उनको पता चलता है कि यहाँ ये मॉडरेट फेज वाली दाल गलने वाली नहीं है, एंड ही ट्राइज टू रिजॉर्ट टू द अदर फेज दैट इज नोन एज सत्याग्रही फेज। सत्याग्रह, आग्रह करता हूँ मैं सत्य के लिए। ओके, सो आई एम इंसिस्टिंग टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ। ओके, तो सत्यमेव जयते वाली जो थियरी है उसी को ही साथ कर रहे हैं, और साथों साथ बोल रहे हैं कि इसके साथ हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसओबीडियंस लेंगे। ओके, तो ये यही बताते हैं कि भाई धरना करना पड़ेगा और धरने के साथ हम लोग पूरा का पूरा आंदोलन शुरू करेंगे, उसके तहत ही ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे चलता है। मुद्दा यहाँ पे फिर से वही आता है कि अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कब किया था। फर्स्ट व्हेन इट वाज यूज्ड, द गवर्नमेंट उस टाइम के अंदर एक एक्ट लाती है, एक्ट के अंदर बोल दिया जाता है दैट ये है ना कि आईडी कार्ड, आपका एक आईडी कार्ड के तहत आपको एक कार्ड कैरी करना है जिसे बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर हर एक इंडियन कम्युनिटी के लोगों को अपनी फिंगरप्रिंट, आपका जो अंगूठा होता है लेफ्ट थंब या राइट थंब, उसकी इंप्रेशन आपको लगा के घूमना पड़ेगा। सरकार कभी भी मांगेगी तो उसके लिए आप पूरा का पूरा उनको दिखा सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट ये था कि सरकार ये एक्ट के थ्रू ला रही थी, विच वॉज कंपेलिंग द इंडियन कम्युनिटी ओवर देयर कि आप इतना क्यों कर रहे हो, बाकी सबके लिए कुछ नहीं, बोले हमारे लिए इतना। सो एसेंशियली ये बहुत ही रेशियल मूव था, और रेसिज्म से प्रेरित मूव होने के कारण गांधी जी को लगता है कि ये सरकार बहुत गलत कर रही है। सो बाय दिस टाइम यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके जो लीडर हुआ करते थे जनरल स्मट्स यहाँ पे बताते हैं कि सर्टिफिकेट विद फिंगरप्रिंट्स ओनली फॉर द इंडियंस। ओके, भारत के लोगों के लिए खास करके हम लोग ये सर्टिफिकेट ला रहे हैं और किसी के लिए नहीं रहे। गांधी फाउंड इट डिस्क्रिमिनेटरी, बोले यार ये कैसे कर रहे हो आप, दिस इज वेरी मच रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस थिंग। ओके,
तो गांधी बताते हैं कि ये सिर्फ भारत के लोगों के साथ ऐसा सर्टिफिकेट आप बनाओगे वो गलत है. एंड गांधी सेज दैट कोई भी सर्टिफिकेट साथ में नहीं रखेगा, कोई अपनी थंब इंप्रेशन आपका जो अंगूठा लगाना है वो भी नहीं रहेगा. बाय सितंबर 1906 हर एक इंडियन ने गांधी की जो विचारधारा थी उसको कन्विंस होके बता दिया था, सबने बोल दिया था कि दैट वी वुड रिफ्यूज टू सबमिट टू दिस लॉ एंड वी आर रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेस. द फियर ऑफ जेल हैड डिसअपीयर्ड. देखिएगा कि ये गांधीयन मूवमेंट अफ्रीका के अंदर चल रहा था. इसके पहले अफ्रीका के अंदर जो भी थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट की फॉर्म के अंदर सरकार ने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है उसके अंदर वही चीज़ मैटर कर रही थी. उसमें वही मैटर कर रही थी कि सरकार उनको जब डराती थी तो सबके सब डर जाते थे और सरेंडर कर देते थे. पर गांधी ने बताया कि क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डालेंगे ना. बोले आदमी को तुम फिजिकली पकड़ के आप जेल के अंदर डाल दोगे बट साइकोलॉजिकली क्या है भाई, उसकी स्पिरिट तो बहुत बार घूम रही है ना. देखिएगा कि ये चीज़ बहुत मैटर कर रही थी. ओके तो बोले, और वो टैबू की तरह भी नहीं लिया जाता. पहले तो ऐसा था कि भाई जेल में गए. अब तो बोले हमारा खुद सरदार जा रहा है जेल के अंदर तो सब लोग पूरी की पूरी पार्टी बैंड बाजा करके जेल के अंदर जाएंगे, तो आपकी डिग्निटी भी बढ़ रही थी. तो जो सोशल रिकग्निशन मिलता है वो भी कुछ अलग हो रहा था. ठीक है, जो पहले से आपको सोशली डीरेकग्नाइज कर दिया जाता था. ओके सो इन दिस कंडीशन व्हेन गांधी वॉज एडमिट फॉर दिस थिंग, तो आपकी जो ब्रिटिश सरकार होती है वो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे एक समझौते के लिए रेडी होती है. ओके देयर वाज अ मीटिंग विच टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नर एट दैट टाइम जनरल स्मट्स एंड गांधी जी कि आप यहाँ पे कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से वॉलेंटियर वे के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा देना, हम कानून नहीं लाएंगे आपको नहीं चाहिए तो, बट आप अपने हिसाब से वहाँ पे अंगूठा स्टैंप मार के आ जाइएगा, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन. तो गांधी जी को लगता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये इशू इनको अच्छी तरह से इन्होंने लिया है. एंड एज अ रिजल्ट ही ट्राइज टू एग्री विद दिस थिंग कि भैया वॉलेंटियर बना दिया है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं. बट एज यूजुअल मैंने बताया कि अंग्रेज होते हैं. जनरल स्मट्स प्लेड अ ट्रिक, गांधी को पहले कन्विंस कर दिया और लेटर ऑन फिर से बैकड्राइव कर दिया. बोले अब देखो सबके सब फंसेंगे. ओके और जब ये पूरी की पूरी ट्रिक गांधी को पता चलती है तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब तो इसको मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग गांधी वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे उनकी एक मीटिंग बुलाते हैं और डिसाइड करते हैं कि मैं ये जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उनकी होली करूँगा. I'll burn this certificate in public. Okay, तो यहाँ पे गांधी ये पूरा का पूरा मूवमेंट की शुरुआत करते हैं अफ्रीका के अंदर 1906 के अंदर से ही. एंड दिस इज हाउ इट हैव हैपेंड. ओके सबसे पहले यहाँ पे एक स्पीच पढ़ेंगे. गांधी मूवी का ये सीन है. बेन किंग्सले एंड सर रिचर्ड एटनब्रो, अगर आपने गांधी मूवी ना देखी हो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लेके भी एक बार देख लीजिएगा तो बहुत ही आपके इंसाइट्स और आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मस्के की तरह हो जाएगा. और ज़्यादा मौका मिले तो यहाँ अहमदाबाद आ जाइएगा, आपको गांधी आश्रम लेके जाऊँगा मैं. ओके सो एसेंशियली इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर आप प्रैक्टिकल वे के अंदर पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ भी जानने को मिलती रहेगी. ओके सो द गांधीयन मेथड ऑफ पब्लिकली बर्निंग द सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. सबसे पहले स्पीच बोलेंगे, उसके बाद हर एक सर्टिफिकेट को इकट्ठा करके यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा आपका जो एक पूरा का पूरा इन्होंने एक कंटेनर जैसा बनाया है जिसके अंदर ये सर्टिफिकेट्स को जला दिया जाता है. एंड द ब्रिटिशर्स ट्राई टू बीट हिम आउट बट ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, और उन्होंने एक भी उंगली नहीं उठाई है. अंग्रेज उनको मारते रहे पीटते रहे बट ही रिटेलिएटेड बाय बर्निंग ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट्स. व्हेन दिस थिंग हैपेंड तो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग वहाँ पे खड़े थे उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है कि भाई ये बंदे के अंदर बहुत दम है और ये कुछ कर सकता है हमारे लिए. अगस्त 1908 तक आ जाते हैं, 2 साल और निकलते हैं, फिर से ब्रिटिश सरकार आपके जनरल स्मट्स जैसे लोग थे एक कानून और लेके आते हैं. कानून के तहत इन्होंने बोल दिया कि अफ्रीका के जो इंटरनल स्टेट्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिश एम्पायर जो था उनके अंदर जो माइग्रेशन होता था, एक आदमी यहाँ से दूसरी जगह जाएगा, जैसे दिल्ली से बॉम्बे गए, बॉम्बे से चेन्नई चले गए, और सरकार अचानक ही कोई कायदा ला दे और कानून ला दे और बोल दे कि आप दिल्ली से बॉम्बे नहीं सकते, बॉम्बे से चेन्नई नहीं सकते, तो क्या होगा? तो पीपल विल रिटेलिएट. द सेम थिंग हैपेंड इन 1908 व्हेन द गवर्नमेंट बॉट अ लॉ दैट द पीपल फ्रॉम ट्रांसवाल कैन नॉट क्रॉस इनटू नताल एंड द पीपल फ्रॉम नताल कैन नॉट क्रॉस इनटू ट्रांसवाल. और यहाँ पे भी फिर से अध्यक्षता आपकी गांधी जी के द्वारा की जाती है. ओके सो अगेन यू विल सी दैट दिस इज द नताल प्रोविंसेस, द ब्लू वन, एंड द ग्रीन वन इज द ट्रांसवाल प्रोविंसेस. वहां से ये जो एरो मैंने आपको मार करके दिखाया है वो एरो के थ्रू ही ये रास्ते के अंदर सब लोग गए थे. द ऑरेंज फ्री स्टेट, द ऑरेंज फ्री स्टेट एसेंशियली इज द स्टेट विच इज अ प्रोविंस विच वॉज रूल्ड और विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेदरलैंड, द डच पीपल. आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगी, तो अफ्रीका के अंदर ब्रिटिश और डच दोनों का शासन हुआ करता था और
आज की तारीख में भी डच ओरिजिन के लोग काफ़ी मात्रा के अंदर है और इन फ्री स्टेट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। उनमें से बहुत सारे देखिए इंडियन कम्युनिटी के हैं, इंग्लिश तो है ही, वाइट्स तो है ही, इंडियन कम्युनिटी के भी है। ये हाशिम मामला है, यू विल सी द क्रिकेटर जो इंडिया के सामने सबसे ज़्यादा अच्छा खेल लेता है, वो तो फेविक्विक लगा के आके चिपक के खेलता है तो इंडिया के सामने बहुत रिकॉर्ड बनाता है, बट उसकी भी ओरिजिन वही है, ही इज़ ऑल्सो इंडियन ओरिजिन। साथों साथ आपकी ये ऑरेंज फ्री स्टेट वाले जो डच लोग थे उनकी ओरिजिन के भी क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगे, ए बी डी विलियर्स, ओके, वो भी इंडिया में आके अच्छे खेल लेते हैं। सो यू विल फाइंड द डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन टू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस इज हाउ इट गोज, ओके, तो हिस्ट्री किस तरह से जाता है। गांधी जी बिफोर इंडिया को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, 1909 आसपास का समय आ जाता है और वहाँ पर ही हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। 1909 में गांधी जी सबसे पहले लंदन करेंगे विजिट, लंदन के अंदर विजिट करते हैं, अफ्रीका से लंदन जाएंगे और वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी थी वहाँ पे उनकी बाय दिस टाइम बाय 1909 ही वाज वेरी मच फेमस और वो लोग उनको बुलाते हैं कि आप अपनी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंसाइट्स देने के लिए भारत सॉरी लंदन में आइएगा और फिर से गांधी लंदन जाएंगे। जब लंदन से वापस आ रहे होते हैं अफ्रीका तो बोट में बैठे बैठे डेढ़ दो महीने का समय था तो क्या करें, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो शुरू करो हिंद स्वराज लेके प्रभु का नाम। तो उन्होंने हिंद स्वराज लिख दी किताब, जो आज की तारीख के अंदर जो इंडियन होम रूल करके जो एसेंशियली बुक लिखी गई है गांधी जी के द्वारा। और अगेन है ना कि मैं मॉरल पॉलिसिंग तो नहीं करता बट अगर आपको मौका मिले तो ये किताब भी पढ़ लीजिएगा, काफ़ी उम्दा किताब है। अभी इंपॉर्टेंट ये है, ये 1909 के अंदर गांधी जब लंदन गए थे तब का पिक्चर है। अब स्टोरी ऐसी भी चलती है कि ये 1909 में जब गांधी इंडियन कम्युनिटी का रिसेप्शन को ऑनर करने के लिए गए थे वहाँ पे, तो उनके साथ एक और भारतीय थे क्रांतिकारी, उनका नाम था वीडी सावरकर, ओके। सो ऑन 24 अक्टूबर 1909 गांधी एंड सावरकर शेयर्ड द स्टेज ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन ही विजिटेड लंदन, और उसके बीच में आते हैं, ओके। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बैकग्राउंड को छोड़ते हुए बिफोर इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, फाइनली अफ्रीका के अंदर ही अपना जो पूरा का पूरा टॉलस्टॉय की विचारधारा थी उसी के तहत वो एक आश्रम की शुरुआत करेंगे। उनका एक जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड था कैलेनबैक की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की शुरुआत करेंगे। ये टॉलस्टॉय फार्म एसेंशियली कम्युनिटी लिविंग वाला फार्म था और ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने जो फार्म सेटअप किया था वही का वही उसका ही मॉडल यहाँ इंडिया के अंदर जो गांधीयन आश्रम्स बनाने की कोशिश करेंगे उसके दौरान भी गांधी इसी तरह के आश्रम्स बनाया करते थे, ओके। फाइनली 1912-13 तक आते आते बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाता है अफ्रीका के अंदर और गांधी जी जब अफ्रीका के अंदर बहुत सक्रिय होते हैं तो इन बिटवीन बाय दिस टाइम गांधी जी के एक पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, पॉलिटिकल गुरु जिनको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी गांधी को मिलने के लिए वहाँ जाते हैं और सरकार के बीच में प्रतिनिधित्व करते हैं कि आपके जो इंडियन कम्युनिटी के इश्यूज वहाँ पे है उसको एम्बिकेबली आप अच्छी तरह से रिजॉल्व कर दे, ओके। तो गांधी जी उनको बताते हैं वेलकम टू अफ्रीका गुरु जी, इस तरह से पूरा का पूरा, ओके। और सरकार और गांधी जी के बीच में एग्रीमेंट भी हो जाता है और जनरल स्मट्स जैसे गवर्नर जनरल उस टाइम के जो ब्रिटिश शासक हुआ करते थे वो बताते हैं कि दैट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बिटवीन अगेंस्ट इंडियन पीपल विल भी रिमूव, बोले आपके जितने भी अत्याचारी वाले जो भी कानून है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। एज यूजुअल मैंने बताया कि जनरल स्मट्स एसेंशियली तो अंग्रेजी था तो वही कि दिस इज अफ्रीका TIA बोला जाता है उसको और हंस पड़ता है दिस इज अफ्रीका का कह के, ओके। सो 1913 तक आते आते गांधी फिर से सत्याग्रह की शुरुआत कर देंगे। द फंडामेंटल रीजन अगेन वॉज द रीजन बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ द सत्याग्रह वॉज दिस, यहाँ पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे जो भी लेबरर्स थे उनके ऊपर एक टैक्स लागू करती है जिसे कहा जाता है पोल टैक्स, वो भी 3 pounds का, ओके, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट और ये लोग उतना कमा भी नहीं पाते थे, उससे भी ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है तो उसको लेके गांधी यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे। सेकेंडली यहाँ इसी दौरान सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट था वो एक कानून पास करती है, वो कानून के तहत ये बोला गया है कि आपके यहाँ पे क्रिश्चियन रीति रिवाज के सिवाय the marriages which are not according to the Christian rites and rituals will be considered invalid. यहाँ पे भारत सॉरी अफ्रीका के अंदर जो भी जितने भी भारतीय समुदाय के लोग थे जो क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे उनके जितनी भी शादियाँ हुई और शादियों के अंदर जितने भी बच्चे हुए वो चाहे हिंदू हुए मुस्लिम हुए पारसी हुए या कोई भी कम्युनिटी के लोग हुए आपके क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से नहीं हुए तो आपकी हर एक शादी इनवैलिड हो जाएगी और इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे भी सबके सब इनवैलिड, इन लोग ने इलेजिटिमेट प्रूव करने की कोशिश की है। एज अ रिजल्ट व्हेन द टू डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट गांधी जी को लगता है कि मुझे सत्याग्रह फिर से शुरू करना पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट ही स्टार्ट्स अ कंट्री वाइड सत्याग्रह इन अफ्रीका बाय 1913 ही वॉज सो
so much popular that once the government arrested him, with the pressure, he was again released and again he was arrested. So, ये पूरा का पूरा pattern चलता रहा, ARA बोला जाता है, arrest, released and arrest, okay. तो यहाँ पे आप देखोगे PCP, pressure, compromise, pressure या STS बोला जाता है, struggle, true struggle, उसी का ही pattern आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. गांधी बोल देते हैं कि अब तो आंदोलन चालू हो गया, नहीं रुकेंगे, हम लोग जो भी हमारी demand है वो सब कह के रहेंगे. Later on, सरकार फिर से झुकती है और बोलती है कि गलती हो गई, चलो बात करते हैं, बात करने से ही बात बनती है. As a result of this thing, some kind of serious negotiations started between the government and Gandhi, and on majority of the thing, the government conceded the Indian demands, the demands of the Indian people, including the poll tax, the registration certificate, and the marriages solemnized according to the Indian rites. ऐसी जो शादियाँ हुई थी भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से, उनको भी illegitimate या invalid नहीं कराया जाएगा. ये demand भी सरकार मान लेती है, and by this time you will see कि गांधी अफ्रीका के अंदर 1913 तक आते आते एक hero के तौर के ऊपर, एक leader के तौर के ऊपर बहुत अच्छी तरह से establish हो चुके थे. By January 1915 he decides to return to India, और उनको लगता है कि भारत माँ मुझे बुला रही है, I should come back to India. This is the picture where the first time Gandhi was received by the leaders of Congress, और वहाँ से ये जो yellow color का circle किया गया है, वहाँ से वो अपनी ये हॉर्स कार्ड के अंदर बैठ के जा रहे होते हैं. ओके, एंड फाइनली द डे इज 9th January 1915. ही चेंज हिमसेल्फ टू चेंज इंडिया, लेट्स बी द चेंज यू वांट टू सी. शायद इस तरह के कोर्ट्स बना के यूपीएससी ने ऐसे भी पूछे थे. और उसी दिन को हम लोग भारत के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस के तौर के ऊपर मनाने की शुरुआत की थी 2004 से. ओके, सो दी 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916 को भी हमने दिल्ली के अंदर मनाया था, 1915 वाला यहाँ पे गांधीनगर के अंदर ही गुजरात के अंदर मनाया गया था. ओके, सो प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत थी, वहाँ जो शुरुआत होती है उसके पीछे गांधी जब इंडिया आते हैं उसी दिन से हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ी बहुत समराइज वर्जन कि गांधी जी अफ्रीका के अंदर किस तरह से उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, और जो कंसोलिडेट करके हमको अफ्रीका के अंदर जो लिखना है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गांधी जी के अंदर, गांधी जी का जो अफ्रीकन एक्सपीरियंस था वो सक्सेसफुल था कि नहीं था. गांधी बिफोर इंडिया को लेके प्रश्न आते रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस दैट वॉज लार्जली सक्सेसफुल. अब आप देखिएगा ये जितने भी स्लाइड्स आप 1, 2, 3, 4 देखोगे, वो पूरी की पूरी आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देखने को मिलेगी. नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, इसके बाद 4 साल के बाद नॉन कॉपरेशन के अंदर यूज़ करेंगे. 10 साल के बाद 1930 के आसपास सिविल डिसोबीडियंस के अंदर फिर से वही तिकड़म चलाएंगे. कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका के अंदर बापू है ना, नेट प्रैक्टिस करके आए थे, इतनी नेट प्रैक्टिस की थी, तो यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी वो सकम नहीं हुए, वो कहीं पे भी सरेंडर नहीं कर रहे थे. ओके, सो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की जो पूरी मेथड थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही है अफ्रीका के अंदर. एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वॉज अचीव्ड बाय गांधी इन अफ्रीका. सेकेंडली, द गांधीयन मेथड, ब्लूप्रिंट, एक चलता है ना कि आपको पूरा का पूरा प्लान बनाना पड़ता है. पता नहीं उन्होंने प्लान बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, बट अफ्रीका वॉज सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, और उसी को ही स्केल अप करके, क्योंकि अफ्रीका कन्फाइन था, छोटा सा प्रदेश था, उसके अंदर भी जो भी इंडियन कम्युनिटी की डिमांड थी उसको लेके ही वो मांग कर रहे थे. बट यहाँ पे तो इतना बड़ा वास्ट जियोग्राफिकल आपका लैंडस्केप है, और वहाँ पे जाके ये जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो नेट प्रैक्टिस की थी ना, अब यहाँ पे आके छक्का मारेंगे. देखिएगा, चंपारण में आके पहले ही बॉल पे 6, फिर इसके बाद अहमदाबाद आए 6, खेड़ा 6, रोलेट के अंदर थोड़ा बहुत बाउंसर लगा, फिर से वापस आके खड़े हो जाते हैं, बोले नॉन कॉपरेशन खिलाफत, फिर से आके 6. अरे सॉलिड मारा है, मतलब फटका मार के पूरा अच्छी तरह से उनको समझाने की कोशिश की गई है. एसेंशियली ये बोला जाता है कि दैट अफ्रीका प्रिपेयर्ड हिम फॉर लीडरशिप. जो प्रिपरेशन चाहिए थी ना एक लीडर, एक मैच्योर लीडर. देखिए कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो गांधी जी के ऊपर बहुत सारा प्रश्न भी उठाया जाता था, इंक्लूडिंग द लीडर्स ऑफ कांग्रेस. एट वंस अपॉन अ टाइम द लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू जी वॉज सो मच क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिकल ऑफ गांधी, बोले यार ये क्या कर रहे हैं, वाई इज ही, बट ही न्यू ऑफ दिस थिंग कि लीडरशिप के तहत ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, कहीं कहीं आपको सरेंडर भी करना, सरेंडर मतलब पार्शियल सरेंडर कॉम्प्रोमाइज के तहत, वो भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के प्लान के अंदर. ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो दूरंदेशी थे, विजनरी जो थॉट था वो विजनरी थॉट लेके आता है. ही हैड अ फेथ इन द सेक्रीफाइसेस ऑफ द मासेस. क्यों? क्योंकि यहाँ अफ्रीका के अंदर देखा कि मुस्लिम, पारसी, सिख, हिंदू कम्युनिटी जो भी थे ना, वो सब लोग सेक्रीफाइस कर सकते थे. गांधी ने बताया ये करना है,
तो अफ्रीका के अंदर कर सकते हैं, तो उनका फेथ भी रिस्टोर हो गया कि अफ्रीका के अंदर जब इतनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडियन की वो कर सकती है, तो इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट मिल सकता है। सबसे फंडामेंटल अगेन चीज़ उनको जानने को मिलती है वो है कि द हार्डेस्ट वे द लीडरशिप इन्वॉल्व इज द फेसिंग द आयर ऑफ द एनिमी बट ऑल्सो ऑफ वंस फॉलोअर। बोले यहाँ पे इंडिया के अंदर एक लीडर के तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो अपने ही आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बट ही नेवर रिटेलिएटेड। क्यों? क्योंकि उनको पता था, बोले ये स्टेशन ये टेम्पररी है, जैसे चौरा चौरी के दौरान हुआ, उनको क्रिटिसाइज किया गया कि वाई आर स्टॉपिंग दिस मूवमेंट जस्ट बिकॉज एक हिंसा हो गई है। इसके बाद भी आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा, बट लेटर ऑन पीपल रियलाइज कि ये जो गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इनिशियली कॉमन आदमी के पल्ले नहीं पड़ रही थी, बट लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे तो वही एसटीएस स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल या प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर का जो सिद्धांत है वो अच्छी तरह से यहाँ पे इम्प्लाई किया जाता है। फाइनली गांधी ऑल्सो न्यू दैट ये जो नेट प्रैक्टिस के तहत इन्होंने अपनी स्टाइल डेवलप की थी, जब मौका मिला तब हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, जब मौका मिले तब फुल टॉस बना के आगे मार के मारते थे। 1940s में सबको लगा कि ये सत्याग्रह तो अंग्रेज करने ही नहीं दे रही, तो उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, रिवर्स स्वीप वाला, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। अभी ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये आइडियोलॉजी कौन लेके आएगा? ये जो पूरी की पूरी नई स्टाइल जो है, ही न्यू अबाउट हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उसको पता था कि भाई यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ मुझे तकलीफ पड़ रही है, किस तरह से अंग्रेजों को मैं टैकल कर सकता हूँ। तो जितने भी आंदोलन होते हैं ना, वो आंदोलन के अंदर, वो है ना स्वॉट एनालिसिस कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट के अंदर, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स तो पता ही थे कि अंग्रेज थे, पर स्ट्रेंथ वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज वो आराम से गेज कर पाए, और इसी के कारण इंडियन नेशनल मूवमेंट राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी वो पूरी की पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगेन हिस्ट्री विल बी रिटर्न, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विल बी देयर व्हेन गांधी एंटर्स द सिनेरियो, और वहां से ही हम लोग शुरू करते हैं गांधी इन इंडिया।